पुराने पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्य पिछले एक सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के अंतिम दिन गुरुवार को यूनियन के सदस्यों द्वारा यांत्रिक कारखाना गेट से न्यू पेंशन स्कीम का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाला गया। यह यात्रा यांत्रिक कारखाना गेट से निकलकर महानगर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर होते हुए असुरन चौक पहुंचा, जहां यूनियन के सदस्यों ने एक सभा का न्यू पेंशन स्कीम को लेकर विरोध दर्ज कराया। शव यात्रा के दौरान यूनियन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता, मंडल मंत्री दिलीप धर दुबे, जयनाथ सिंह, विजय मिश्रा, अमित शुक्ला, रविशंकर प्रसाद सहित यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता ने कहा, पूरा देशव्यापी लोग इसके विरोध में है। राज्य कर्मचारी है, केंद्र कर्मचारी है, और ये परंपरा स्टार्ट हो गया है। प्रदर्शन से जरूर से पार्लियामेंट परिसर से भूख हड़ताल से गोष्ठी से किया गया, और यहाँ एक सप्ताह का प्रोग्राम था। टर्मिनल है आज, यहाँ उनका पुत्र इलाज चला जा रहा है एनपीएस का।